नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज के मुख्य खबरें। आबू रोड के शांतिवन में स्पेशल रिट्रीट का आयोजन, गॉड्स विजडम फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर चर्चा, देश के कई हिस्सों से लोग हुए शामिल। हैदराबाद के शांति सरोवर में विजडम फॉर ब्लीसफुल लाइफ विषय पर कार्यक्रम, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने बताया प्रभावशाली समाधान। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में प्रशासकों के लिए सेमिनार, एम्पावरिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर गुड गवर्नेंस विषय पर डाला प्रकाश। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भी रिट्रीट का आयोजन, जीवन में सुख शांति के लिए राजयोग को बताया जरूरी। पंजाब के मोहाली में 2 दिवसीय मधुमेह मुक्ति शिविर, मधुमेह से बचने के लिए आहार विचार और व्यायाम पर ध्यान रखने पर दिया जोर। अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, ग्लोबल पीस एंड साइको सोशल साइंस विषय पर मंथन, ब्रह्म कुमारी को भी किया आमंत्रित। महाराष्ट्र के रेणापुर में चला बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान, तो ओडिशा के संबलपुर में भी महिलाओं को सम्मान दिलाने व सशक्त बनाने का प्रयास जारी। राजस्थान के भरतपुर में नगर पालिका द्वारा बसंत पशु मेले का आयोजन, ब्रह्मा कुमारीज ने की सहभागिता, ग्रामोत्थान प्रदर्शनी व चैतन्य देवियों की लगाई झांकी। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय आबू रोड के शांतिवन में गॉड्स विजडम फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर स्पेशल रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसके स्वागत सत्र में संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, स्पोर्ट्स विंग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शशि, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत ने सभी को रिट्रीट के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और परमात्मा के घर को अपना घर समझें ऐसा कहते हुए उनकी मेहमान नवाजी भी की। हम आत्मा हैं, अब ये है इसका सब्जेक्टिव ज्ञान, लेकिन फिर उसकी एप्लीकेशन चाहिए। जैसे साइंस के अंदर एप्लाइड मैकेनिक्स, इसी तरह से एप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। अगर हम स्वयं को आत्मा समझ करके अपने व्यवहार में आते हैं, कितने फायदे हैं उसके। आज के नॉलेज का व्याख्यान करना भी बड़ी बात है, परंतु नॉलेज सेकंड इज टू बिकम ए पीसफुल बीइंग। हमारे पास सब कुछ है परंतु शांति नहीं, भटकता है मन, तो देन जीवन व्यर्थ है। इसके लिए टू मेक यू पीसफुल बीइंग, थर्डली टू मेक यू अ लवफुल बीइंग। किसी व्यक्ति के साथ जीवन अच्छी रीत से जीना है तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम की आवश्यकता है। इस संगोष्ठी का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री पारस चंद जैन, जगत गुरु कृपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एस रामारत्नम, संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, ज्ञान सरोवर एकेडमी के निदेशक डॉक्टर बीके निर्मला समेत उच्च पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। जहां ऊर्जा मंत्री पारस चंद जैन ने संस्थान द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा की जमकर सराहना की। क्योंकि हम जब राजनीति में काम करते हैं तो प्रैक्टिकल अनुभव हमको ज्यादा होता है, लेकिन सेवा के भावना में इतना बड़ा स्थान ब्रह्मा कुमारी पिता का, मैं समझता हूं कि ये बहुत आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। एम्पावरमेंट मीन्स एनहांसिंग एंड नर्चरिंग व्हाट यू ऑलरेडी पोसेस, व्हाट यू ऑलरेडी हैव, व्हाट इज इनेट इन अस, व्हाट इज व्हाट वी ऑलरेडी पोसेस, दैट हैज टू बी यू नो इंक्रीज्ड। That is empowering. What do we have already? Well, God has endowed us with love and joy. मानवता की सेवा में समर्पित हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में नगर वासियों के लिए विजडम फॉर ब्लीसफुल लाइफ और डिजाइन योर टुडे विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने लोगों के जीवन से जुड़े अनेक परेशानियों को बहुत ही सरल और प्रभावशाली समाधान बताए, जिसका दूर दूर से आए हजारों लोगों ने भरपूर लाभ लिया। सदा वसंतम हृदय अरविंदे।
बाद समय अचानक का चल रहा है, हमारे सामने अचानक कोई भी परिस्थिति आ जाती है, सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी और दूसरों का मन हमारे अनुसार नहीं होगा। सिर्फ एक चीज हमारे अनुसार हो सकती है, वो है हमारा मन। लेकिन अपने मन के लिए हमने कह दिया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकती है और उस एक ही चीज को हमने कह दिया ये मेरे कंट्रोल में नहीं, और उसको छोड़ के हम बाकी सबको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और हर एक कहता है मेरा मन तो नहीं, मैं दूसरे के मन को अपने अनुसार चला लूं, होने वाला नहीं। बीके शिवानी ने उदाहरण देकर यह भी बताया कि हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, उसका मन नहीं बदल सकते, लेकिन सुभावना द्वारा उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वी हैव टू गिव देम द वाइब्रेशन विच विल इंक्रीज सोल पावर एंड विच विल मेक देम पीसफुल पावरफुल स्टेबल, बिकॉज व्हाइल वी आर मेकिंग देम स्टेबल हु इज द फर्स्ट पर्सन हु विल रिमेन स्टेबल। वहीं इन कार्यक्रमों के पश्चात राजयोग मेडिटेशन सीखने में उत्सुक लोगों के लिए 7 दिवसीय राजयोग शिविर का भी आयोजन किया गया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में प्रशासकों, अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रशासक प्रभाग द्वारा एम्पावरिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर गुड गवर्नेंस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। JHRC रिट्रीट सेंटर में आयोजित इस सेमिनार का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के महानिरीक्षक डॉक्टर देवव्रता स्वेन, ओडिशा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव सनातन मल्लिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा और पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के निदेशक चूड़ामणि सेठ, ओडिशा वन विकास निगम के महाप्रबंधक रमेश चंद्र सेठी, अतुल इन्फोटेक के निदेशक भरत त्रिवेदी समेत प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कुशल प्रशासन विषय पर आयोजित सेमिनार में आए डॉक्टर देवव्रता स्वेन ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये सिर्फ हमारी ड्रेस को चेंज कर रहा है, पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कैरेक्टर बिल्डिंग का कार्य कर रही है। साथ ही सनातन मलिक ने संस्थान की शिक्षाओं को समाज के लिए अति आवश्यक बताया। वहीं प्रभाग के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अतिथियों से शासन को सुशासन में परिवर्तन करने के लिए राज्यों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। प्रशासन को सुप्रशासन बनाने के लिए पहले स्वप्रशासन करना बहुत जरूरी है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ मैनेजमेंट अगर नहीं है तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है वो गुड गवर्नेंस नहीं बन सकता। हम सुनते हैं अगर व्यवस्था को ठीक करना है तो पहले अवस्था को ठीक करना पड़ेगा। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में हैप्पीनेस थ्रू राजयोग मेडिटेशन विषय पर रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शिवानंद गुरुकुल के महासचिव डॉक्टर एस राजाराम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के पूर्व जज AR सिल्वा कुमार, पूर्व पुलिस आयुक्त M जया बालन, तिरुत्तनी शुगर मिल्स की MD माला रवि जी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK कलावती, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर BK बीना, BK नाथ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। भगवान ने हमें
हमें सब कुछ दिया है, इसलिए वर्तमान समय मन की शांति ही हम सभी की मूल आवश्यकता बन गई है, जो कि राजयोग के द्वारा ही परमात्मा से प्राप्त की जा सकती है। ये बात बी के बीना ने रिट्रीट के दौरान कही। साथ ही अतिथियों ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि संस्थान द्वारा समाज के लोगों में जो मूल्यों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, यह अत्यंत ही सराहनीय है। और तनी मनुष्य कल्याण में पंडिका में या कल्याण मंडियो कुटुंब विटिटी वह नमक सेवेना इवंकल पत् पद्मश्री भारत को यार यारों को अभी अर्गिया ना इं पी पैने अड़े न अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया व ईश्वरी सौगात भेंट की। पंजाब में मोहाली के फेस सेवन सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय मधुमेह मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मैक्स अस्पताल के निदेशक एंडोक्रेनोलॉजी डॉक्टर सूर्यकांत माथुर, हरियाणा राज्य अधिकार कमीशन के रजिस्ट्रार आईएएस अवतार चंद्र शर्मा, ग्लोबल हॉस्पिटल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू, मोहाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत कई चिकित्साविदों ने दीप जलाकर किया। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हुए बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने कहा कि डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है तथा भारत में हर तीसरा व्यक्ति इसका शिकार है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मधुमेह के बारे में लोगों को जागृत करने की जरूरत है और यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। 2 दिवसीय शिविर के दौरान सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेते हुए लाभ लिया और सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय में विश्व शांति एवं साइको सोशल साइंस विषय पर 2 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आमंत्रित ब्रह्म कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश ने अपने वक्तव्य में कहा कि किसी भी कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम मन में होती है और जो मन में होता है वही कर्म में दिखाई देता है, इसलिए वैश्विक शांति के लिए मन को सही दिशा देने की जरूरत है। साथ ही उपकुलपति अनामिक शाह ने कहा कि मैंने ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यों को बहुत समय से देखा है। यह संस्था तनाव मुक्त जीवन तथा विश्व शांति की स्थापना हेतु आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से करती है। दो दिवसीय महासम्मेलन के समापन सत्र में आंध्र प्रदेश के सलाहकार डी स्वामी, गांधी विद्यापीठ में पीस स्टडीज के विभागाध्यक्ष पुष्पा मोटियानी, दिल्ली के ग्लोबल हार्मनी एसोसिएशन के महानिदेशक रमेश मलिक, गांधीयन स्टडी रिसर्चर मैक्सिको से प्रभारी कुमारी सुजान भी मुख्य रूप से उपस्थित थीं। राजस्थान में भरतपुर जिले के रूपवास गांव में नगर पालिका द्वारा 10 दिवसीय बसंत पशु मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, ग्रामोत्थान प्रदर्शनी तथा चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई। मेला मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ उपखंड अधिकारी परशुराम मीणा, बीएसओ दीपा मीणा, ईओ कुंदनलाल देथा, भरतपुर सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बबीता ने दीप जलाकर व रिबन काटकर किया। मुख्य अतिथि परशुराम मीणा ने बताया कि ब्रह्म कुमारीज द्वारा दिया जा रहा ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही बीके बबीता ने कहा कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा अपने गांव का विकास कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का आधार और भारतीय
भारतीय संस्कृति की उत्पादकता हमारे पूर्व काल के हमारे पूर्वज और हमारी भारतीय संस्कृति रही, जिसे आज मनुष्य छोड़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कड़प्पा के डीआईजी बीबी रामना कुमार के प्रयास से आयोजित कम्युनिटी पुलिस सिस्टम कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र ओम शांति नगर की बीके बहनों को परमात्मा का संदेश देने के लिए मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इसमें कड़प्पा क्षेत्र के प्रभारी बीके गीता, राजो शिक्षिका बीके प्रदीपा ने डीएसपी अशोक कुमार समेत उपस्थित 2000 लोगों को ईश्वरीय संदेश से अवगत कराया। सशक्तिकरण एक विचार शैली है जिसके माध्यम से हम मन में छिपी कमजोरी, गलत आदत व नकारात्मक विचारों को समाप्त कर अपने मन को सशक्त बना सकते हैं। और एक बार मन सशक्त बन गया तो जीवन में आने वाली तूफान जैसी परिस्थितियां भी तोहफे में परिवर्तित हो जाएंगी। और ऐसे ही मन को सशक्त करने का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्थान लगातार कर रही है। ऐसा ही एक नज़ारा महाराष्ट्र के रेणापुर स्थित शिवाजी महाविद्यालय के कैंपस में दिखाई दिया, जहां ब्रह्म कुमारीज के रेणापुर सेवा केंद्र द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के अंतर्गत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रेणापुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शिल्पा ने नारी शक्ति पर गीत गाकर किया। जब को जीवन देने वाली माँ भी तुझसे हारे हैं। इस सेमिनार में एडवोकेट कंचन वाघन्ना ने राजयोग सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए 200 कानून बने हुए हैं, लेकिन जब तक महिलाएं सशक्त नहीं बनेंगी कायदे कानून भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही अंबाजोगाई सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू ने कहा कि सर्वप्रथम हमें खुद को और खुदा को जानने और अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है, परमात्मा को याद करने की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम अपना आधा घंटा निकालें। राजयोग का अभ्यास क्या होता है, अपने आप को खुद को जानने की कोशिश करें। वहीं सेमिनार में कॉलेज के उपप्राचार्य डॉक्टर गुट्टे विनायक, प्राध्यापिका एस के हनकुड़े, पूर्णा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रणीता भी मौजूद थी। इसी अभियान के अंतर्गत ओडिशा के संबलपुर में कई स्थानों पर महिला प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम कॉलेज के प्रबंध निदेशक गिरिजेश खांगा, अट्टाबीरा के सरपंच निराकार मोहाकुद, महिला समिति के अध्यक्ष कौशल्या अग्रवाल, कविता लक्ष्मानिया, संबलपुर सबजोन प्रभारी बीके पार्वती, सोनेपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को महिला पर अत्याचार न करने की प्रतिज्ञा कराई गई। वहीं नन्ही बालिकाओं ने बेटियों पर कविता भी सुनाई। नारी पर अत्याचार नहीं करेंगे। सम्मान देने के लिए राजयोग करेंगे। जरूर करेंगे। इसी दौरान हीराकुद में जन जागृति के लिए रैली निकाली गई, जिसमें बीके सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज स्लोगन बोर्ड लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिस्थिति को अवसर में बदलना ही महानता है, और आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से हर परिस्थिति का सामना किया है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम परिस्थिति में घबराने के बजाय हिम्मत और सकारात्मक विचार से उसका सामना करें। ये उक्त विचार बीके विपुल के हैं, जो उन्होंने ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित व्यक्तित्व विकास शिविर के दौरान कही। इस अवसर पर ग्वालियर सिटी सेंटर प्रभारी बीके चेतना ने बताया कि किस तरह से ईश्वर पिता की स्नेह भरी याद आत्मा को गुणी व शक्तिशाली बनाती है। हमें ये सारी चीजों की डिमांड रहती है जो हम गॉड से मांगते रहते हैं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन आपको इसी से एम्पावर करता है, आपको लवफुल पीसफुल एम्पावर पावरफुल बनाता है। तो यू आर अ सोल, soul and role are these two different things. I'm not a body, but I have a body
and who is telling all this truth about me, that is Supreme Light, means God, who is the father of the light. शिविर में कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर जेपी दीक्षित ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही। छत्तीसगढ़ कोरबा के कटघोरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नशा मुक्ति परामर्श शिविर और वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाएं, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज और अक्षय हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस परिचर्चा में नवोदय ज्ञान विद्या मंदिर से छाया साहू, ऐश्वर्या व सरस्वती शिशु मंदिर से तलत परवीर समेत अनेक बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बहुत ही सुंदर आकर्षक मॉडल बनाया, जिसका शिक्षकों ने अवलोकन किया और सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाकर समाज को संदेश देने का सुंदर प्रयास किया है। इस दौरान नशा मुक्ति परामर्श के लिए अक्षय हॉस्पिटल के निर्देशक केसी देवनाथ ने नशे की बुरी लत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माता पिता यदि नशा करते हैं तो बच्चे इनका अनुसरण सहज रीति से कर लेते हैं। वहीं बीके पुष्पा ने कहा कि भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था वह आज नशे के गर्त में चला गया है। ओडिशा के पत्तापुर पाठशाला का वार्षिकोत्सव खुशी और उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रभात त्रिपाठी, माउंट आबू से ज्ञानमृत प्रेस के बीके अर्जुन, भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। विधायक प्रभात त्रिपाठी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें गांव-गांव में जाकर जिस प्रकार से इतनी सेवाएं कर रही हैं, वास्तव में वो सराहनीय है और इस श्रेष्ठ सेवा में मैं भी जरूर सहयोग करूंगा। इसके साथ ही सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वार्षिकोत्सव के दौरान सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई और विधायक प्रभात त्रिपाठी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ओडिशा में भद्रक के उपसेवा केंद्र अगरपाड़ा में शांति शोभा यात्रा व चैतन्य देवियों की सुंदर झांकी निकाली गई। उपसेवा केंद्र के 10वें वार्षिकोत्सव में निकाली इस रैली में भद्रक कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अरविंद दास, भद्रक सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके सारथी, सरपंच सत्य साधन समेत कई बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। चैतन्य देवियों से सजी झांकी सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। दिव्य चेतना दीप्त करें, मनुष्य दिव्य मानव बने, एक दिव्य दुनिया को नहीं बन सके। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि जिस तरह ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा पूरे विश्व में नैतिक उत्थान के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित रूप से एक दिन रंग लाएगा और भारत भूमि फिर से देव भूमि बन जाएगी। महाराष्ट्र के पलुस स्थित नवनिर्मित पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समय का सदुपयोग विषय पर आयोजित कार्यशाला में माउंट आबू साहेब बीके बालू ने सभी को समय का सही उपयोग करने के लिए पर चिंतन व पर दर्शन से दूर रहकर अपने समय को आंतरिक पुरुषार्थ में लगाने की युक्ति बताई। वहीं कार्यशाला में बीके योगिता भी उपस्थित रही। स्थानीय सेवा केंद्र पर भी सच्चाई जीवन की विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बालू ने सभी को हु एम आई नामक शॉर्ट फिल्म के द्वारा मनुष्य की वास्तविक पहचान, मानव जीवन का लक्ष्य जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। अब पीस ने उसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है GWSpeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज
आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।